देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा मैं इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाता हूं यानी भारतीय संविधान। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक के बाद एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करता हुआ चल रहा हूं। जब भी मुझे समय मिलता है दोस्तों मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाता हूं ना। तो आज मैं आप लोगों को कंपटीशन के दृष्टिकोण से बनाऊंगा, मतलब आप किसी भी स्तर की तैयारी करते हैं आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए ना, एसएससी के लिए, तो यहां से जो प्रधानमंत्री से प्रश्न राइज होने वाला है आज जरा सा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, किसमें 74 में, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति पढ़ाया है पीछे ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी होगी इंडियन पॉलिटी बाई जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह, जिसमें मैंने जबरदस्त तरीके से पीछे सारी चीजों को पढ़ाया हुआ है। तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भारत का क्या होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, मंत्री परिषद, और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री ना। क्या बनाई जाएगी, एक बनाई जाएगी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद ना, एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी और इसका जो प्रधान होगा वह कौन होगा, इसका जो प्रधान होगा इसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री ना, इसका प्रधान जो होगा इसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आपका निकलता है कौन, यहाँ से निकलता है आपका प्रधानमंत्री, इतने सी बात बताइए ना। अब ये जो प्रधानमंत्री शब्द लिया गया है हमारे यहाँ, यह संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से ना, संसद में है राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री कहाँ होता है, संसद में, लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री। तो ये जो संसदीय प्रणाली ली गई है, कौन सी दोस्तों, संसदीय प्रणाली, गौर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ना। हमारे भारत देश में उस समय किसका शासन था, हमारे भारत देश में जब ये सारी चीज़ें बन रही थी उस समय अंग्रेजों का शासन था, वही अपना नियम कानून लेके आ रहे थे, हम लोगों का शासन कर रहे थे। तो जब भारत देश की आज़ादी मिली तो हम मतलब 150 साल से उन्हीं लोगों के नियम कानून से चल रहे थे, हम उनके नियम कानून के आदि हो चुके थे। तो इसी वजह संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से। अब संसदीय प्रणाली में दो तरह के अध्यक्ष पाए जाते हैं, कितने तरह के अध्यक्ष पाए जाते हैं, दो तरह के दोस्तों अध्यक्ष पाए जाते हैं। पहला जो होता है वह होता है संघ प्रमुख ना, संघ का प्रमुख, प्रमुख, या राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख ना। तो दोस्तों एक तो हो गया आपका संघ का प्रमुख और एक हो गया राज्य का प्रमुख, और दूसरा संघ का प्रमुख, राज्य का प्रमुख ना, ये होता है नाम मात्र का, नाम मात्र का। और दूसरा जो होता है वह होता है शासन का, किसका, शासन, और शासन का जो अध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझिएगा, शासन, इसको आप सरकार भी कह सकते हो, सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। हमारे भारत देश में संसदीय प्रणाली को लिया गया है जिस तरीके से ब्रिटेन में, वहाँ नाम मात्र की, वहाँ प्रधानमंत्री यानी जो वहाँ क्राउन, जिसके सर पे क्राउन होता है, हमारे यहाँ जिस तरीके से राष्ट्रपति है ना, उसी तरीके से वहाँ पे क्या है, क्राउन, यानी जो भी वहाँ पावर है, जिस तरीके से हम लोगों ने नाम मात्र का बना के रखा है अपने राष्ट्रपति को, उसी तरीके से एक मुकुट है, उसी में सारी पावर को रखा गया, वो क्राउन जो भी वहाँ का जिसको भी पहना दिया जाएगा उसी के पास सारी पावर होती है, मतलब एक तरीके से क्राउन के पास वह सारी शक्ति है। तो संघ का जो प्रमुख होगा या जो राज्य का प्रमुख होता है या नाम मात्र का होता है, ये कौन होता है, राष्ट्रपति। यहाँ से राष्ट्रपति, दोस्तों यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है, गौर करिएगा आप, ये कौन हो गया, राष्ट्रपति, और शासन का जो हो गया, प्रधानमंत्री। तो अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि 74 में बताया, अब आगे हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, तो प्रधानमंत्री हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा ना, नियुक्ति,
अब यहाँ बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो है कि निर्वाचन होता है या नियुक्ति। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। कई लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री इलेक्टेड होता है, उसका निर्वाचन होता है, उसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है ना, तो सबको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये हो सकता है कि इसका क्या किया जाता होगा, चुनाव। नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो, ये एक तरीके से क्या होता है, संसद का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? संसद का, या चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे तो राज्यसभा का, या चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, चाहे तो राज्यसभा का ना। तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री। बहुत अच्छी तरीके से आप समझना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ये एक सांसद होता है ना, ये एक सांसद होता है। जैसे सांसदों का चुनाव होता है, या तो लोकसभा से चुना जाए या तो राज्यसभा से चुना जाए। प्रधानमंत्री, जैसे आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ना, इंदिरा गांधी जो थी वह राज्यसभा से बनी हुई थी, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वह लोकसभा से हो सकता है चाहे तो राज्यसभा से। सदस्य चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, लेकिन उसको बहुमत कहाँ से मिलना चाहिए? बहुमत मिलना चाहिए इसे लोकसभा से। कहाँ से मिलना चाहिए? लोकसभा में इसे बहुमत मिलना चाहिए। आप कहेंगे कि लोकसभा से बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब जैसे आप अच्छी तरीके समझो कि हमारे लोकसभा में मान लो सपोज दैट है, तो इस समय कितनी है? 545 है, जिसमें से 543 निर्वाचित है, 2 मनोनीत। मैंने पीछे वीडियो में बताया लोकसभा के बारे में, मैंने जबरदस्त तरीके से वहाँ समझाया, वहाँ जरूर देखिएगा आप। यहाँ मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आप समझिए कि मान लीजिए वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 100, 100/2+1 यानी 51%। यही क्या होता है? यही होता है बहुमत। यानी उस समय लोकसभा की जितनी सीटें हैं, लोकसभा में उतनी सीटों को 2 से भाग दे के अगर 1 जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? बहुमत। तो इसे चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, उसे बहुमत कहां से मिलना चाहिए दोस्तों? उसे बहुमत मिलना चाहिए लोकसभा में ना। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या तो प्रधानमंत्री पद त्याग देता है, तो सारी मंत्री परिषद को इस्तीफा लगाना पड़ता है। गजब की बात बता रहा हूँ दोस्तों, दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना। अगर प्रधानमंत्री ना, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती या वह पद त्याग देता है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा लगाना पड़ता है। यही एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या, नोट करके चाहे तो आप लिख लें कि क्या अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर से सुनिएगा, गौर करिएगा, क्या अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? हाँ दोस्तों, देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर एक मंत्री ने अगर कोई गलत कार्य किया तो उसके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मतलब होता है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अब यहां इसको भी आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो बहुमत है ना, जितना बहुमत है अगर उससे कम सदस्य हो जाए, जिसकी सरकार बनी है, सरकार में कुछ सांसद उसको छोड़ के भाग जाए ना, समर्थन खींच ले, तो ऐसे कंडीशन में क्या लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता देख लिया जाए ना। तो दोस्तों, यहां अगर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता देखा जाए तो हमको 2 जगह से थोड़ा सा लेना पड़ेगा। या तो वह लोकसभा से बन सकता है या तो राज्यसभा से बन सकता है। अगर लोकसभा से बनेगा तो उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा से बनेगा तो उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए ना। बात समझ में आया? इसके अलावा कुछ चीजें तो होती हैं ना, कि इसका जो चुनाव होगा, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, न्यायालय के द्वारा दंडित न किया गया हो, ये दोनों चीजें समान होंगी। यहां पर गौर करिएगा,
वह अगर लोकसभा से प्रधानमंत्री बनेगा तो उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा से जाएगा 30 वर्ष। यहाँ पे प्रश्न आता है पीसीएस में इस तरह के विशेष तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष ना? तो दोस्तों याद रखिएगा 25 वर्ष ना, बात समझ में आया, कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। अधिकतम उम्र के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जितना नेता वाले पद होते हैं उनके पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तो है, अधिकतम उम्र सीमा का भी प्रावधान नहीं है, और एक व्यक्ति चाहे जितनी बार प्रधानमंत्री बनना चाहे प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद दोस्तों मैं बात करूंगा मंत्रिपरिषद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों बात किया जाएगा, मंत्रिपरिषद ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अभी मैंने बताया, कई बार बताया, राष्ट्रपति, गौर करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। यानी सारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, सारे मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य व्यक्तियों की मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। अब कोई व्यक्ति कितने समय तक प्रधानमंत्री बन सकता है, 5 वर्ष, अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। लेकिन विषम कंडीशन आ जाए, अगर आपातकाल जैसी स्थिति लागू हो जाए तो ऐसे कंडीशन में यह सीमा क्या कर सकती, यह सीमा बढ़ सकती है। तो यह मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद के कार्यों का बंटवारा करता है ना, और ये जो होता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में भी काम करता है, कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है कि सरकार का प्रमुख होता है, शासन जो चलाया जाता है किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, शासन हमारा जो चलाया जाता है वह चलाया जाता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाया जाता है ना। यहां एक प्रश्न यहाँ बार बार बना देता है दोस्तों, इस पे मूवी भी आ चुकी है नायक ना, कि क्या ऐसा व्यक्ति जो न तो लोकसभा का सदस्य है न तो राज्यसभा का सदस्य है, क्या ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बना सकते हो, बिल्कुल बनाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव जीतना आवश्यक होगा न, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर। अगर 6 माह के अंदर वह चुनाव जीत लेता है तो वह उसको आगे क्या कर सकता है, वह उसको आगे रेगुलर कर सकता है। इतनी बात समझ में आया। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, नीति आयोग हो गया ना, उसके बाद आपका राष्ट्रीय सुरक्षा निधि हो गया, इन सारी कई कोषों का जो होता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी वह वहां से डायरेक्ट पैसा निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है, प्रधानमंत्री। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष है तो ये जन के द्वारा, लोगों के द्वारा उसमें जमा किया जाता है, मतलब अपने देश के लिए, तो वहां से अगर हमारे रक्षा के विकास को डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ती है वहां से निकाला जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा कोष है, जिस प्रधानमंत्री आपदा कोष के अंतर्गत भी इसको जो है कि मिला हुआ है पावर, की जिसमें जनता के पैसों से रखा जाता है कि आपातकाल के दौरान इसका यूज किया जा सके। तो दोस्तों ये तो हो गई नियुक्ति के बारे में। कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रश्न यहां से पूछते हैं, जैसे पूछता है कि प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा ना, तो आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा 16 साल 9 महीने 13 दिन तक इन्होंने कार्य किया था, 13 दिन तक ना। इसके बाद पूछेगा कि ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से बनी थी, तो आप इंदिरा गांधी का नाम ले लीजिएगा, किसका, इंदिरा गांधी ना। इंदिरा गांधी की क्या खासियत थी, इंदिरा गांधी की यह खासियत थी कि यह राज्यसभा से चुन के पहुंची थी और बनी थी प्रधानमंत्री। यह कहां से चुन के गई थी, राज्यसभा से गई थी और क्या बनी थी, प्रधानमंत्री। उसके बात पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो अपने जीवन काल में कभी भी सदन में उपस्थित नहीं हुआ, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौधरी चरण सिंह। कौन, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की क्या खासियत थी, चौधरी चरण सिंह ना दोस्तों याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह कभी भी सदन में
उपस्थित नहीं हुए। जैसा कि जब मैं आप लोगों को लोकसभा मैंने पीछे पढ़ाया आप लोगों को, वहां मैंने बताया था अगर कोई भी व्यक्ति 60 दिन तक बिना कारण बताए अनुपस्थित होगा तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन यह सदन में कभी भी नहीं गए और इनकी सदस्यता भी बनी थी ना। अगर प्रधानमंत्रियों में सबसे छोटा कार्यकाल पूछेगा अटल बिहारी वाजपेयी का था। किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी। एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कई बार आ चुका है कि विश्वास मत हासिल करने में असफल होने वाले कौन थे, तो विश्वास मत हासिल करने में असफल होने वाले गौर से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्वास मत हासिल करने में असफल व्यक्ति जो थे प्रधानमंत्री थे उनका नाम था बीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप। कौन था दोस्तों? विश्वनाथ प्रताप। तो दोस्तों वीडियो जरा लंबी हो रही है ना, तो अभी मैं इसको यहाँ पे रोकूंगा और इसके आगे आज मैंने जरा सा आप लोगों से प्रधानमंत्री के बारे में बात की, एक थोड़ा सा 2 मिनट समराइज करूंगा। 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ जो है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है, संघ का प्रमुख, राज्य का प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और शासन और सरकार का प्रमुख कौन होता है? शासन सरकार का जो प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति ना, इसकी नियुक्ति होती है क्योंकि जो आपका लोकसभा होता है, लोकसभा में से एक सांसद को लोग बहुमत दल के नेता के रूप में चुन लेते हैं और उसी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 75 के अंतर्गत बनाया जाता है। और इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह से, किसके सलाह से दोस्तों? प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य लोगों की नियुक्ति की जाती है। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से ना दोस्तों। यहां आपने देखा इन सारी चीजों के बारे में देखा आप लोगों ने। अब मैं आगे इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल, उप मंत्रिमंडल, अगला मेरा दोस्तों ये टॉपिक होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इस चैनल को चलाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच को बना पाए, जिससे जो हमारा भारत देश है इसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा को प्रोवाइड कराया जा सके। तो दोस्तों सहयोग की आशा करता हूँ आप लोगों से। नमस्कार।